हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ्स का सवाल भाज्यता पर आधारित बताने वाले हैं। हम आपके लिए ऐसा की पॉइंट लाए हैं जो कि कोई संख्या दो से कैसे भाज होता है, तीन से कैसे होता है, चार से कैसे होता है, पाँच से कैसे होता है, छः, सात, आठ, नौ, दस और ग्यारह से कैसे होता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है 11 से भाज्यता के आधारित। तो हम 2 से लेके 11 तक के बारे में जानते हैं, उसके बाद आपको 6 क्वेश्चन बताएंगे और वो 6 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा हुआ है और 6 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाएंगे ताकि आप वीडियो को देखकर लास्ट में कमेंट सेक्शन में उनका आंसर आप खुद बताएंगे, तब ना समझेंगे कि आपने इस वीडियो के आधारित कुछ ना कुछ सीखे हैं हमसे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा भाज्यता पर आधारित मैथ्स का सवाल। तो हम कोई संख्या को 2 से कैसे भाज लगेगा, यानी 2 से भाज लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है। तो हम बताते हैं 2 से। देखिए, 2 से में क्या होता है कि अगर कोई संख्या के इकाई अंक, कैसा इकाई अंक, इकाई अंक बोले तो लास्ट अंक, इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इकाई अंक या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, तो ऑटोमेटिक वो पूरे संख्या किससे भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा। जैसे हम बोलते हैं 3, 8, 4, 2 से भाग लग जाएगा। कैसे, इकाई अंक कितना है 4, अगर हम बोलेंगे 4, 5, 9, 8, 2, 7, 6, 5, 2, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड होगा। कैसे हमने जाना, इकाई अंक कितना है 2, समझ में आ गया। अब हम अगला जानेंगे कि कोई संख्या 3 से कैसे भाज होता है। अगर संख्या के सारे अंक जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद 3 से अगर भाग लग जाता है तो ऑटोमेटिक वो पूरे संख्या 3 से भाग लग जाएगा। अगर हम डिस्कस करें इनका एग्जांपल 9 to 1, क्या 3 से डिवाइड होगा, देखते हैं चेक करके। इसका अंक एक 9 है, 2 है, 1 है, 9 और 2 11, 1 12, 12 3 से खाता है, हाँ खाता है, तो ऑटोमेटिक 3 से खाएगा। चेक कर लो, 3 दिया 9, 2 से नहीं खा, 2 रहेगा 0, 21, 3 से 21 खा गया ना। तो 3 से कोई संख्या कब खाएगा, अगर संख्या का प्रत्येक अंक को जोड़ दे, जोड़ने के बाद अगर 3 से खा जाता है तो पूरे संख्या 3 से खा जाएगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं 7, 5, 2, 1, 9, 3, 6, 2, 5, 2। अब हम बोलते हैं क्या ये 3 से खाएगा, तो चेक करते हैं 7, 5, 12, 2, 14, 1, 15, 9, 24, 3, 27, 36, 2, 35, 5, 40, 40, 42, 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
तीन सिखाएगा, देखो तीन दूनी छो एक, तीन पचे पंद्रह, दो में नहीं खाएगा इक्कीस, तीन सत इक्कीस, तीन तिया नौ, तीन एक तीन, तीन दूनी छो, दो में नहीं खाएगा, तीन अठे चौबीस, तीन चौबारह, पूरा पूरी तीन से खा गया, समझ में आ गया। अब चार से कोई संख्या कैसे खाएगा, अगर कोई संख्या का दहाई और इकाई अंक मिलाकर जो संख्या बनता है वो चार से खाता है तो टोटल संख्या चार से खाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, 8420, क्या ये पूरा संख्या चार से खाएगा? तो हम देखते हैं दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या को, दहाई दो इकाई जीरो, चार से खा रहा है, टोटल चार से खाएगा, चार दुनी आठ, चार चार, चार पचे बीस। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 7352532, क्या ये संख्या चार से खाएगा? तो क्या चेक करेंगे,
लास्ट का दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या क्या है? 32। चार अठे 32 खा गया, टोटल संख्या 4 से खा गया। चेक कर लो, 4 एक 4 3, 4 अठे 32, 1 4 3 12, 4 एक 4, 1 4 3 12, अरे 1 4 3 12 हो गया। समझ में आया? 4 से भी समझ में आ गया। अब हम 5 से सीखते हैं। अगर संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो पूरे संख्या 5 से खा जाएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं 5 to 0, लास्ट में क्या है? 0, श्योर है पूरी संख्या 5 से खा जाएगा। 5 एक 5, 0 5 और 20 कैंसिल हो गया, 2595 5 से खा जाएगा। कैसे हमने जाना 5 से खाएगा? क्योंकि लास्ट में कितना है? क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 6 से खाने वाले संख्या। अगर संख्या 2 से भी खा जाए और 3 से भी खा जाए तो श्योर है वो संख्या 6 से भी खा जाएगा। और आप हम बताए थे 2 से कोई संख्या कब खाता है? 2 से वही संख्या खाता है, वही संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। और 3 से अगर संख्या के सारे अंक जोड़कर 3 से अगर खा गया तो टोटल संख्या भी 3 से खा जाएगा। अगर हम चेक करते हैं 3, 2, 5, 1, क्या ये 6 से खाएगा? हमें जानना होगा कि 2 से भी खाना चाहिए, लेकिन 2 से खाने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, लेकिन क्या 1 श्योर है ये 6 से नहीं खाएगा। अगला हम देखते हैं 3, 6, 2, 4। अब हम पूछते हैं क्या 6 से खाएगा? तो पहले 2 से देखते हैं, हाँ 2 से खा जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है। अब 3 से खाने के लिए क्या करेंगे? सारे अंक को जोड़ दो, जोड़ने के बाद अगर 3 से खा जाता है तो समझ जाएंगे टोटल संख्या 6 से भी खा जाएगा। 3 और 6, 9, 2, 11, 11 और 4, 15। 15 3 से खाता है, श्योर है ये 2 से भी खा गया, 3 से भी खा गया, 6 से भी खा जाएगा। खिला दे, देखो 6 6 36 हो गया खत्म, 2 0 6 6 24 हो गया ना, समझ में आ गया। अब हम जानते हैं 7 से कोई संख्या कैसे खाता है। अगर संख्या के इकाई अंक का दोगुना कर दो, ठीक, और इकाई अंक को हटा के जो संख्या बनता है उनमें दोगुना इकाई अंक हटा दो, और घटाने के बाद अगर 7 से खाता है तो टोटल संख्या 7 से खा जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम पूछते हैं 343 7 से खाएगा, तो हमने क्या कहा? इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक क्या है? 3, 3 दूनी 6, दोगुना ले लिया। अब इकाई अंक को हटा दो, क्या बना? 34। अब घटा दो, यानी 34 में 6 घटा, कितना? 28। 7 से खाया 28, हाँ खाया, 7 चौक 28, कन्फर्म है टोटल संख्या 7 से खा जाएगा। कैसे? 7 चौक 28 हो गया, 6 7 9 63। समझ में आया ना? श्योर है कि आपको समझ में आ गया। अब 8 से कोई संख्या कैसे खाएगा? अगर संख्या का दहा सैकड़ा अंक, दहाई अंक और इकाई अंक मिला के 8 से अगर खाता है तो टोटल संख्या 8 से खाएगा। फिर से, अगर संख्या के सैकड़ा अंक वाला, दहाई अंक वाला और इकाई अंक वाले से बनी संख्या 8 से खाता है तो टोटल संख्या 8 से खा जाएगा। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 592 और ले लेते हैं 20 और एक और ले लेते हैं 0, ठीक है। अब देखो सैकड़ा अंक में क्या है? 2, दहाई क्या है? 0, फिर 0, क्या 8 से खाता है? 8 1 8 2 16, 4 0 8 25 40, यानी कि सैकड़ा दहाई इकाई अंक से बनी संख्या 8 से खा रहा है तो कंफर्म है कि टोटल संख्या 8 से खाएगा। देखते हैं,
आठ सत्ते 56, 3 8 चौ 32 हो तो गया। अब ये जितना जीरो है उतार लो। समझ में आया ना? एक और देखते हैं एग्जांपल। जैसे हम बोलते हैं 392408, हम आपसे पूछते हैं क्या ये 8 से खाएगा, तो अब हाँ हमें देखना है सैकड़ा दहाई इकाई कितना बना, 408, और 408 8 से खा रहा है, 8 बचे 40, 8 इकाई श्योर है सारी संख्या, मतलब ये जितना संख्या है ये पूरे संख्या 8 से खा जाएगा। अब 9 से, 9 से खाने का कैसे तरीका है, अगर संख्या के सारे अंक को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 9 से अगर खा जाता है तो पूरा संख्या भी 9 से भाग लग जाएगा। जैसे हम बोलते हैं 351, अब हम आपसे पूछते हैं क्या 9 से खाने वाला है, तो पहले जोड़ते हैं 3 5 8 1 9 9 9 में 9 खा जाएगा श्योर, टोटल संख्या 9 से खा जाएगा। कर दो 9 3 27 8 9 81, समझ में आ गया। जैसे 3 और 9 दोनों सेम है, 10 10 वही संख्या में खाएगा जिसका इकाई अंक सिर्फ 0, 10 वही संख्या में भाग लगेगा जिसका इकाई अंक 0 है। ये तो सब जान गए 580 लास्ट में 0 है, 10 से खा जाएगा। सबसे ज्यादा सवाल पूछता है 11, 11 से कोई संख्या कब भाग लगेगा, ध्यान सुनना 11 से कोई संख्या कब भाग लगेगा। इसका सिंपल सा तरीका है, सम स्थान का अंक और विषम स्थान का अंक, सम स्थान का अंक जोड़ दो, विषम स्थान का अंक जोड़ दो, और फिर जोड़ने के बाद दोनों का अंतर करो, अंतर करने के बाद 0 या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज मतलब 11 या 22 या 33 हो, तो वो पूरे संख्या 11 से खा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 1331, कैसे समझेंगे कौन है सम पर और कौन है विषम स्थान पर, तो गिनती करो 1 2 3 4। अब बताइए विषम स्थान पर कौन है, ये विषम स्थान पर है 1 नंबर 3 नंबर, 1 और 3 4। सम स्थान पर कौन है, 3 और 1 4, अंतर को 4 में 4 गया 0, 0 आ गया ना, यानी ये पूरी पूरा संख्या किससे खा जाएगा, 11 से खा जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आपको बताते हैं, जैसे 1 3 6 1 0 5 2, क्या ये 11 से खाएगा, तो अब हम इसका सम स्थान और विषम स्थान का अंतर लेते हैं, ठीक है, सम स्थान का अंक जोड़ दो, विषम स्थान का अंक जोड़ दो, और फिर उन दोनों में डिफरेंस कर दो, अगर डिफरेंस 0 या 11 का गुणज यानी 11 का मल्टीपल हो तो ये संख्या 11 से खा जाएगा। तो देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7, अब बताओ यहाँ पर विषम स्थान पर कौन है, ओड प्लेसेस पे कौन है, 1 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर 2 है, ये ओड प्लेसेस हुआ अंतर। ये माइनस प्लस मत समझना कि माइनस में सर आ गया प्लस, ये सब मतलब में समझना है सिर्फ 0 या 11 का मल्टीपल। सम स्थान पर 3 प्लस, आपको समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे समझ जाए, फिर ये 5 ये सम स्थान पर है। अब जोड़िए 1 और 6 7 7 2 9, 5 1 6 6 3 9 9 में 9 0, कंफर्म है टोटल संख्या 11 से खा जाएगा। चेक कर दो 1 3 6 1 0 5 2, 11 1 11, तो ये हो गया 2 11 2 22, ये हो गया 4, फिर 1 11 3 33, तो ये हो गया आपका 8, फिर ये 0 11 77, ये 3, फिर 5 11 3 33, फिर 2 और ये 2 11 2 22, समझ में आया ना।
तो आपको याद रखना है 11 वाला प्लेसेस, क्लियर है ना। 11 से कोई संख्या कैसे भाग लगता है, ये रहा आपका कुछ की पॉइंट। अब हम इनके आधारित आपको सवाल बताने जा रहे हैं। छो में कौन, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 से 6 आपको बनाना है, क्लियर है ना। तो हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। तो पहला सवाल आप देख रहे होंगे बोर्ड पर आ रहा है, जो कि SSC टाइप 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि 7, 3, 8 A6A 11 से भाज्य है, 11 से पूरा पूरी भाज्य है, तो A का मान क्या होगा, क्लियर है। चलिए आपको बताए थे 11 से भाज्य होने में क्या रूल लगाते हैं, तो हम लेते हैं इका विषम स्थान का अंक और सम स्थान का अंक, और उन दोनों सम स्थान का अंक और विषम स्थान के अंक को जोड़ के डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। चलो देखते हैं विषम स्थान पर कौन है 7, फिर कौन है 8, फिर कौन है 6। दम आपको दम स्थाई से बता रहे हैं ताकि आप अच्छे समझ जाएं। सम ले विषम स्थान पर लिया माइनस, अब सम स्थान पर कौन है 3 प्लस, फिर कौन है A प्लस A। अब यहाँ पर 7, 8, 15, 15 और 6, 21 माइनस 3 प्लस 2। 21 में 3 माइनस होगा 18, फिर माइनस 2। अब आप बताएंगे कि A के जगह क्या रखेंगे जो कि 11 या 11 का गुणज या 0 हो जाए। तो अगर हम एक जगह 1 रखते हैं, 2 1 का 2, 18 में 2 गया 16, नहीं ना 11 का गुणज, चलो 2 रखते हैं, 2 2 4, 18 में 4 गया 14, ये भी नहीं हुआ। 3 रखते हैं, 3 2 6, 18 में 6 गया, कितना हुआ 18 में अगर 6 गया तो 12, ये भी नहीं हुआ। अगर हम 4 रखते हैं, 4 2 8, 18 में 8 गया, कितना हुआ 10, ये भी 11 नहीं है। अच्छा 5 रखते हैं, 5 2 10, ये भी नहीं, 6 6 2 12, 18 में 12 गया, 6 ये भी नहीं। अगर हम 7 7 2 14, 18 में 14 गया 4, ये भी नहीं है। अगर हम 9 रख दें, 9 2 18, 9 2 18, 18 में 18 गया 0, का जब एक जगह 9 रख दें। और आपको बताए थे 11 से कोई संख्या कब खाएगा, जब विषम अंक के विषम स्थान का अंक का योग और सम स्थान के अंक का योग का डिफरेंस करने पर या तो 0 या 11 या 11 का गुणज हो तो वो पूरा संख्या 11 से खा जाएगा। इसका मतलब एक स्थान पर क्या होना चाहिए 9। अब हमको लग रहा है कि आप अच्छे से सीख गए, हम इसलिए अस्थाई से बता रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो गया सी, क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बस धीमे धीमे बता रहे हैं ताकि आप समझ जाए, सीखें, स्पीड तो अपने आप बढ़ जाएगा। कह रहा है क्या दूसरा क्वेश्चन है आपका 7वां 8वां क्वेश्चन है 1 5 6 स्टेरिस 9 4 2 11 से भाज हो जाए तो स्टार्ट जगह क्या आएगा, तो श्योर है करना क्या है। अगर चाहे तो आप जल्दी बना सकते हैं, ऑप्शन जल्दी जल्दी कर लें 4 7 8 9। चलो देखते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि विषम स्थान और सम स्थान कौन है। तो एक ये विषम, एक के बाद 6 भी विषम, फिर 9 भी विषम, फिर 2, तो 1 और 6 7, 7 और 9 16 और 2 18, 18 आ गया। चलो अब इसमें सम 5 स्टार है, ठीक है 5 4 9, अच्छा 18 में 9 और प्लस
स्टार घटेगा। अच्छा 18 में 9 गया, 9 माइनस स्टार, अब बताओ क्या 4 घटे, अगर स्टार जगह 4 है तो 5 आ जाएगा, नहीं होगा। 7 लेंगे 2 नहीं होगा, 8 लेंगे 9 में आपके यहाँ 1 नहीं होगा, अगर 9 लेते हैं तो 9 में 9 गया 0, स्टार जगह क्या आएगा 9। इसका मतलब स्टार जगह 9 अगर रख देते हैं तो टोटल संख्या यानी ये संख्या कितना सिखा जाएगा, 11 सिखा जाएगा। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन हो गया, आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बस आपको हम सिखा रहे हैं आप सीखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बृहत्तम संख्या, बृहत्तम मतलब बृहत्तम अंक, बड़ा से बड़ा अंक जो x बोला है, x जिसके लिए संख्या 5x793x4 3 से भाज हो, ध्यान रहे बड़ा से बड़ा अंक लेना है, तो पहला है 9 7 4 3, चलो 3 से खिलाना है, 3 से खिलाने के लिए क्या प्रॉपर्टी बताए थे, सारे अंक को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद अगर 3 से खा जाता है टोटल संख्या 3 से खा जाएगा। तो चलो करते हैं, 5 और 7 12, 12 9 21 21 3 24 24 और 4 28, अब ये x भी जोड़ रहे हैं, x और x 2x। अब हम बड़ा से बड़ा अंक लेते हैं, तो ऑप्शन में बड़ा अंक पर 9 पहले लेते हैं, 9 2 18 18 और 28 कितना आएगा 46, क्या 3 से खाता है, नहीं खाता, 9 नहीं होगा। चलो 7 लेते हैं, बड़ा बड़ा लेना है तो फेल हो गया, अब 7 लेते हैं, 7 2 14, अब 14 और 28 को जोड़ो क्या है 42, 3 से खाता है, श्योर खाता है, कंफर्म है, ये पूरा संख्या 3 से खाएगा जब यहाँ बड़ा से बड़ा अंक कौन रखेंगे 7, ऑप्शन दोनों में 7 जो कि आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन से, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके का नहीं अस्टेरिस 381 अस्टेरिस 381 11 से भाज हो तो अस्टेरिस के स्थान पर कौन आएगा, 11 से भाज है तो अस्टेरिस के स्थान पर कौन आएगा, बस करना है ये का ये विषम स्थान 1 2 3 4 विषम एक ये हो गया, तो हो गया अस्टेरिस प्लस 8 माइनस 3 और 1 4, यानी अस्टेरिस 8 में 4 गया 4। अब हम लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन लेने से क्या होता है कि जल्दी जल्दी बन जाता है, अगर हम 0 ले लें नहीं हो 0 जो 4 4 नहीं आए 0 नहीं आया ना 11 है, अगर हम लेते हैं 5 5 4 9 ये भी नहीं होगा 1 1 4 5 भी नहीं, 7 अगर लेते हैं 7 4 11 और 11 से कोई संख्या कब खाता है जब अंतर 0 या 11 या 11 का गुणा जो, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 7 जो कि डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्टेरिस एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 अस्टेरिस को 11 से भाग विभाजित किया जा सकता है, तो अस्टेरिस का कौन सा अंक है, हम ले लेते तो ऑप्शन 2 3 5 6, चलिए ये पूरा संख्या 11 से भाग लग रहा है तो बताओ अस्टेरिस की जगह कौन आएगा, चलो हम लेते हैं इसका विषम प्लेसेस, तो ये है पहला विषम, 5 के बाद 2 और 2 के बाद 5 2 7 7 प्लस अस्टेरिस और सब में 8 4 12, तो 12 हम माइनस कर देंगे, चलिए 7 में 12 गया तो ये हो जाएगा ना अस्टेरिस माइनस 5। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, 2 तो होगा नहीं, 2 में 5 गया 3 नहीं है, 3 भी नहीं होगा, 5 होगा क्योंकि 5 में 5 गया 0, अब कोई सम और विषम अंकों का योग अगर अंतर कर दें और 0 या 11 या 11 का गुणज हो तो वो टोटल संख्या 11 से खा जाएगा, तो कौन आ जाएगा 5, समझ में आ रहा है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 5 4
27 9 से विभाज है तो अष्टादश के स्थान पर क्या है? चलिए 9 से विभाजित होने के लिए क्या करते हैं, सारे अंक को जोड़ते हैं, अगर जोड़ 9 से विभाज होता है तो पूरा संख्या 9 से विभाज होगा। चलते हैं जोड़ते हैं 5 4 9, चलो खा जाएगा क्या 7 2 9, ये भी खा गया। 3 और अष्टादश यहाँ क्या रखेंगे, 6 रख दो, 3 और 6 9 खा जाएगा कितना, अब अगले सर कैसे 5 4 9 खड़ा खड़ा, और 2 और 7 9 ये भी खा जाएगा। अब स्टडी से क्या 0 0 3 3 नौ से नहीं खा रहा है, 1 रखे 3 1 4 नौ से नहीं खा रहा है, 6 6 3 9 समझ में आया। तो ये रहा आपका आस्किंग 6 सवाल। अब आपको हम 1 से लेके 6 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं ताकि आप इस वीडियो को समझ के आप खुद बनाएंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे कि कितना आपका आंसर आया है। आज के सेशन में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।